पिछले कुछ दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर आग लग रही है और इन्हें आग का कारण है उनके अंदर की मौजूदा लिथियम आयन बैटरीज। आखिर क्यों ये स्कूटर्स आग पकड़ रहे हैं, क्यों ये बैटरियां जल रही हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम मानव है। क्या आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या नहीं? क्या ये स्कूटर वाकई इतने खतरनाक है कि कभी भी आग पकड़ सकते हैं? ये बताते हैं आपको इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने का मुख्य कारण है उनके अंदर मौजूद लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज के जलने की खबरें कोई नई नहीं है। इससे पहले मोबाइल फोन्स के अंदर भी इन बैटरीज के जलने का और एक्सप्लोजन की खबरें सामने आई। इसके अलावा पावर बैंक के साथ भी हमने देखा किस तरह से कई बार लिथियम आयन बैटरीज एक्सप्लोड कर गई। अब ये लिथियम आयन बैटरीज किन केसेस में एक्सप्लोड करती है, आइए वो समझते हैं। इन बैटरीज को अगर आप ओवरचार्ज करते हैं तो इनके अंदर ओवरहीटिंग की समस्या आ जाती है जिसकी वजह से बैटरी में आग लग सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी आपके व्हीकल का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद आपने बैटरी को चेक नहीं किया कि कहीं उसके अंदर किसी तरह का डैमेज हुआ है नहीं हुआ, तब ये बैटरीज आग पकड़ सकती है। या फिर शॉर्ट सर्किट एक मेन कारण है जब इन बैटरीज के अंदर आग लगने की खबरें या फिर एक्सप्लोजन की खबरें सामने आती हैं। तो ये तो कारण हुए जिनकी वजह से लिथियम आयन बैटरीज आग पकड़ लेती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्या है लिथियम आयन बैटरी के अंदर जिसकी वजह से बैटरीज का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो आग पकड़ लेती है। देखिए, लिथियम आयन बैटरीज के अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबे होते हैं जो कि एक केमिकल होता है। एक तरीके से मान लीजिए वो इलेक्ट्रोड से कैथोड तक के जो आयन्स है उनको ट्रैवल कराने में मदद करता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन लिथियम आयन के अंदर जो कैथोड टर्मिनल होता है यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के कण होते हैं। वो ऑक्सीजन के कण कभी कभी आग लगने का कारण बन सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं ये 9वीं क्लास की फिजिक्स है, ऑक्सीजन हमेशा आग को बढ़ावा देता है। तो कई बार ऐसे सिचुएशन पैदा होते हैं जब हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैथोड में से ऑक्सीजन अलग होती है और वो आग उसको लगा सकती है। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी बहुत ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से इन बैटरीज के अंदर आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि HF हो गया। इनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं बैटरी केमिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन ये कुछ केमिकल जो लिथियम आयन बैटरी के अंदर मौजूद होते हैं वो उसको ज्यादा फ्लेमेबल बना देते हैं। अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर उसके जलने की घटनाएं ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये लिथियम आयन बैटरीज जल जाती हैं। अगर ये इतनी खतरनाक होती इसमें सारी दुनिया में इसका इस्तेमाल आज नहीं किया जा रहा होता। इन बैटरीज की खासियत ये होती है कि ये कम जगह में बहुत ज्यादा एनर्जी एक लेड एसिड बैटरी जो हम लोग शायद अपने घरों के इन्वर्टर में इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकती है और ट्रांसफर कर सकती है, इसलिए लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज्यादा हीट में भी काम कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अभी लगातार हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस के जिनके अंदर कुछ जगहों पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से लिथियम आयन बैटरीज के अंदर आग लगने के चांसेस भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ये कुछ एक दो केसेस हो सकते हैं क्योंकि अभी कंपनीज ने भी इसके ऊपर क्लैरिफाई नहीं किया है कि आखिर ये आग क्यों लगी है। तो अब आप कैसे बच सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग ना लगे? सबसे पहले कभी भी स्कूटर को ओवरचार्ज नहीं करना। अंडरचार्ज फिर भी कर लीजिए लेकिन कभी भी उसको ओवरचार्ज मत करिए। बहुत ज़्यादा दूर तक या फिर बहुत ज़्यादा देरी तक स्कूटर को ना चलाएं धूप में गर्मी के समय में, क्योंकि ओवरहीटिंग की वजह से आपके चांसेस हैं कि बैटरी के अंदर आग लग जाए। और तीसरा कारण जिसके ऊपर आप एक ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए कभी खुदा ना खास्ता आपके टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बैटरी पैक को ज़रूर चेक कराएं, कहीं उसके अंदर किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं हुआ, कोई डैमेज तो नहीं हुआ, नहीं कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं हिल गया जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ जो है, जब आजकल स्वैपेबल बैटरीज आ गई हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बैटरी लगा रहे हैं वो सही तरह से लगे, कोई भी लूप होल उसके अंदर ना छूटे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्कूटर के अंदर या टू व्हीलर के अंदर ये जो आग लगने वाली समस्या है इससे बच पाएंगे। तो एक सिंपल सी केमिस्ट्री है लिथियम आयन बैटरीज को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप और हम इनका ध्यान रख लेंगे तो शायद हम इस तरह के हादसों से बच पाएंगे। फिलहाल देखना यह है कि कंपनीज इनके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन देती है, केमिस्ट्री के हिसाब से क्लैरिफिकेशन क्या बनती है वो तो हमने आपको बता दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। मेरा नाम मानव है और हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद।